नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि जब आप व्यस्त रहते हैं ना तो आपके पास पछतावा, दुख, इन सभी के लिए टाइम नहीं मिल पाता। व्यस्त रहेंगे तो एक आने वाला समय आपका बहुत उज्ज्वल होगा, बहुत अच्छा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। क्योंकि एक सरकारी नौकरी आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला देती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी टाइप से आपके अंदर की भावनाएं जागृत होती हैं और फिर परिवर्तन आता है। मित्रों, आप जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसमें कोई कहने वाली बात तो है नहीं। आज की जो क्लास होगी ये टीजीटी आर्ट स्पेशल होगी और ये क्लास नंबर 29 होने वाली है। क्लास नंबर 29 होगी, इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम 10 का डोज 286 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है नील दर्पण प्रसिद्ध नाटक किसका है? नाम रविंद्रनाथ टैगोर का है, मधुसूदन दत्त का है, बंकिमचंद चटर्जी और दीन बंधु मित्र का नाम आपको दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि एक नील दर्पण नाटक है, वो नील दर्पण नाटक किसका है? आपको नाम बताना है कि नील दर्पण नाटक किसका है। नाम में कई ऑप्शंस दिए गए, लेकिन जो सही जवाब बनेगा वो नील दर्पण के लिए आपको दीन बंधु मित्र के साथ आंसर्स देना पड़ेगा, डी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, दो नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है वर्ली चित्रकला संबंधित है, वर्ली चित्रकला संबंधित है, नाम बिहार का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। वर्ली चित्रकला की अगर बात आती है तो आप जानते हैं मित्रों कि यह मध्य प्रदेश की कला है। सही जवाब हमें जो लगाना पड़ेगा वो बी के साथ बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर, छापना होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन तीन नंबर आएगा। पूछा गया बॉम्बे ग्रुप के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाम एस डी छाबड़ा का है, वी एस गोयतांडे का है, के हब्बार और हरि किशन लाल का नाम दिया गया। बॉम्बे ग्रुप के अगर नेतृत्वकर्ता की बात आती है तो बॉम्बे ग्रुप को नेतृत्व प्रदान करने का जो कार्य रहा वो कृष्ण केंटागिरी हब्बार का रहा है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। तो के हब्बार के साथ आपको आंसर्स देना पड़ेगा। आगे चढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन चार नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है मित्रों, बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ? नाम अनूप सिंह का दिया गया, किशन सिंह का दिया गया, राय सिंह का दिया गया और राज सिंह का नाम दिया गया। बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ, आपसे नाम पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो मित्रों मेघदूत पांडुलिपि का जो चित्रण हुआ है बीकानेर में वो राय सिंह के टाइम पीरियड पे हुआ है, इसलिए आपको जो यहाँ सही जवाब देना पड़ेगा वो राय सिंह के साथ लगाना पड़ेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, पांच नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है अमृत कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अमृत कौर के चित्रों पर क्या बंगाल शैली हावी है, लघु चित्रकला शैली दिखाई देती है, पटना शैली का प्रभाव है या फिर ब्रिटिश शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अगर अमृत कौर के चित्रों पर आप प्रभाव ढूंढेंगे मित्रों तो प्रभाव जो दिखाई देगा वो लघु चित्र शैली का दिखाई देगा, इसलिए आपको सही जवाब जो लगाना होगा बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? कला एक सहज ज्ञान है, नाम लियोनार्डो दा विंसी का दिया गया, बेनेडेटो क्रोंचे का दिया गया, आदि शंकराचार्य का दिया गया और स्वामी राम तीर्थ का नाम दिया गया। कला एक सहज ज्ञान है, यह कथन किसका है मित्रों? अगर कला एक सहज ज्ञान है कथन ढूंढा जाए तो क्रोंचे ने कहा है, बेनेडेटो क्रोंचे सही जवाब बनेंगे, इसलिए आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सात नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है शिव का छवि गजहस्त मुद्रा में, शिव का छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है, नाम उमा का है, विष्णु का है, नटराज का है और बुद्ध का है। गजहस्त मुद्रा में जो शिव का छवि मिल रहा है वो किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो भगवान नटराज के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको यहाँ सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आठ नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा है मलिक अंबर का मकबरा कहाँ स्थित है? नाम खुलदाबाद औरंगाबाद का है, ओलंदगंज जौनपुर का है,
खुसरोबाग प्रयागराज है और एलोरा औरंगाबाद का नाम दिया गया। मलिक अंबर का मकबरा कहाँ पे है मित्रों, तो ये खुल्दाबाद औरंगाबाद में है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है, नाम मुंबई का है, अहमदाबाद का है, कोलकाता और दिल्ली का नाम दिया गया। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है मित्रों, तो किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स ढूंढेंगे तो आपको वहीं दिखाई देगा जहाँ पे आपका इंडिया गेट स्थित है, यानी सही जवाब दिल्ली के साथ देना होगा, डी के साथ आंसर्स बनाना होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे चित्रों पर कलाकार के हस्ताक्षर का उल्लेख सर्वप्रथम किस शैली में मिलता है। चित्रों पर कलाकारों के हस्ताक्षर का उल्लेख जो दिखाई देता है वो राजस्थानी में दिखाई देता है, पहाड़ी में दिखाई देता है, मुगल में दिखाई देता है, या फिर कंपनी शैली में दिखाई देता है। अगर चित्रों पर कलाकार के हस्ताक्षर के उल्लेख की बात आती है मित्रों, तो सही जवाब जो दिखाई देगा वो मुगल काल के चितेरे ऐसा काम करते रहे, तो सही जवाब मुगल काल के साथ आपको देना होगा, बी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है बोरोबोदुर के बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया। नाम राजा इंद्रवर्मन का है, नाम गुरु शिव सोम का है, शैलेंद्र सम्राटों का है, और इनमें से कोई नहीं। आपसे कह रहा है बोरोबोदुर का बौद्ध मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया मित्रों, जब बोरोबोदुर का स्तूप या बोरोबोदुर का बौद्ध मंदिर पूछा जाए तो शैलेंद्र सम्राट के साथ आंसर्स लगाना, बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है इनमें से संगमरमर से बना डेकोरेटिव मंदिर है खजुराहो है, दिलवाड़ा है, हम्पी है, या फिर विष्णुपुर है। संगमरमर से बना है, डेकोरेटिव है, बहुत बढ़िया से सजाया गया है, ये मंदिर आपका दिलवाड़ा वाला जैन मंदिर है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों मेहरौली के चंद्र स्तंभ का संबंध किससे माना जाता है। नाम चंद्रगुप्त प्रथम का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त का नाम दिया गया। मेहरौली के चंद्र स्तंभ की बात हो रही है, अगर मेहरौली के चंद्र स्तंभ की बात हो तो आपको चंद्रगुप्त सेकंड का नाम याद आना चाहिए, सही जवाब सी के साथ लगाना चाहिए, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा, सी के साथ हम राइट आंसर्स लगाएंगे। अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो हमारा 4 नंबर है, प्रश्न संख्या 4 आपसे क्या कह रहा है, इत्मादुद्दौला का मकबरा स्थित है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, या फिर इलाहाबाद में है। इत्मादुद्दौला का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है मित्रों, वो आपका स्थित है आगरा में, इसलिए आपको राइट आंसर जो देना पड़ेगा वो फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है माईरान की प्रसिद्ध कृति डेस्कोवालस वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। डेस्कोवालस कहाँ है, जर्मनी में है, अमेरिका में है, भारत में है, या फिर रूस में है, आपको बताना है। माईरान की बढ़िया कृति है डेस्कोवालस, डेस्कोवालस की अगर बात करें तो जर्मनी के साथ आंसर्स देना पड़ता है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाना होता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है। नाम पारसीडोन का है, एथेना का है, अपोलो का है, और एफ्रोडिटी का नाम दिया गया। यूनान में सूर्य को किस रूप में जाना जाता है, तो यूनान में सूर्य का जो नाम होता है वो अपोलो होता है, इसलिए आपको राइट आंसर्स अपोलो के साथ देना है, बी के साथ राइट आंसर्स बनाना है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ। नाम जापान का है, इंग्लैंड का है, रूस का है, यूनान का है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ मित्रों, स्वर्णिम विभाजन पद्धति की अगर बात आती है तो ये पद्धति आपकी यूनान में आविष्कृत होती है, इसलिए आपको राइट आंसर्स डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, कह रहा किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य किया है। नाम अमरनाथ सहगल का है, धनराज भगत का है, चिंतामणि कर का है, और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में कार्य किया है। पश्चिमी अकादमी यथार्थवादी धारा में जो कार्य किया है उस कलाकार को देवी प्रसाद राय चौधरी नाम दिया जाता है, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर्स डीपी राय चौधरी के साथ देना पड़ेगा, डी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा।
डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा, आपसे कह रहा है गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जादूगर किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है, नाम सुलेजियम का है, क्यूबिज्म क्या है, प्रभाववाद का है और कला डेको का नाम दिया गया। गगनेन्द्र बाबू ने जादूगर वाली एक रचना बनाई जो कौन सी यूरोपियन शैली से प्रभावित है, तो घनवाद यानी क्यूबिज्म से वो प्रभावित है। सही जवाब घनवाद या फिर क्यूबिज्म लगाओ, सही जवाब आप सी के साथ बनाओ, ये सी ऑप्शन से दो जगह डी लिखा हुआ है तो इसे सी कर लो, क्यूबिज्म के साथ कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है मित्रों, आपसे पूछ रहा है हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जानते हैं, परंपरागत धारा के लिए, आधुनिक धारा के लिए, समकालीन धारा के लिए या फिर मुगल कला के लिए। मकबूल फिदा हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जानते हैं, तो ये नाम आपका समकालीन के साथ जाएगा, सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बिठाना पड़ेगा। आगे चलेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है दक्षिण भारत में यात्रा के दौरान अमृता बंबई में किससे मिलती हैं, नाम कार्ल खांडला वाला का है, सलीम शेख का है, राम कुमार का है, एस एच रजा का नाम दिया गया। जब दक्षिण भारत में यात्रा करने गई अमृता सहगल तो बंबई में वो किससे मिलती हैं मित्रों, बंबई में वो जिससे मिलती हैं उनका नाम कार्ल खांडला वाला है, तो आपको राइट आंसर्स जो लगाना है कार्ल खांडला वाला के साथ देना है, यानी फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाता था, सितार और बांसुरी कौन बजाता था, नाम कृष्ण रेड्डी का है, अनीश कपूर का है, लक्ष्मण पै का है और जयराम पटेल का नाम दिया गया। कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाता था, तो सितार और बांसुरी दोनों बजाने में जो सिद्धस्त रहा उसका नाम लक्ष्मण पै है, तो आपको राइट आंसर जो देना है वो बी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था, नाम मृणालिनी मुखर्जी का है, जे स्वामीनाथन का है, राघव कनेरिया और भूपेन खक्कर का नाम दिया गया। मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो मजदूर आवाज पत्रिका को संपादित करने का जो काम रहेगा वो जगदीश स्वामीनाथन का रहेगा, इसलिए आप राइट आंसर्स यहाँ सी के साथ लगाएं, सी इज द राइट आंसर्स बनाएं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है शाहजहां का चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था, नाम होनहार का है, मुराद का है, बशामन का है और विशन दास का नाम दिया गया। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन है, तो बढ़िया वाला हिंदू चित्रकार जो रहा वो होनहार रहा, इसलिए आपको राइट आंसर्स होनहार के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बनाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, पूछा गया धौलाधर पर्वत श्रृंखला जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया, नाम ध्रुव मिस्त्री का है, मंजीत बाबा का है, विमान सुंदरम का है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। धौलाधर पर्वत श्रृंखला जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है, धौलाधर पर्वत श्रृंखला जैसा जो बढ़िया चित्र बना मित्रों वो चित्र आपके भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब वीसी सान्याल दो, सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है 14वीं शताब्दी में किसने छापा चित्रण को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, नाम वान गॉग का दिया गया, पाब्लो रुई पिकासो का दिया गया, ड्यूरर और विंची का नाम दिया गया। 14वीं शताब्दी में किसने छापा चित्रण को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, जब छापा चित्रण के सबसे पहले प्रस्तुति की बात आती है तो अल्बर्ट ड्यूरर का नाम आता है, आपको सही जवाब ड्यूरर के साथ लगाना है, बी के साथ राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है मित्रों कालीन ट्रे चीनी बर्तन के डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध कलाकार हैं, नाम महेंद्रनाथ सिंह का है, किरण दर का है, विश्वनाथ खन्ना का है और नंद किशोर शर्मा का नाम दिया गया। कालीन ट्रे चीनी बर्तन के डिजाइनर के रूप में कौन फेमस हैं, तो इनके डिजाइनर के रूप में नंद किशोर शर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर्स डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है मित्रों सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, आपसे पूछा गया महेंद्र नाथ सिंह ने की है, शिवनंदन नंटियाल ने की है, नंद किशोर शर्मा ने की या फिर विश्वनाथ मेहता ने की है। सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की, तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नंटियाल के द्वारा की गई है, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है
नाम दिया गया वृत्ताकार क्षेत्र है, टेढ़ा मेढ़ा बनावट है, वर्गाकार क्षेत्र है या फिर तिकोना क्षेत्र है, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है। हड़प्पा संस्कृति का जो पूरा क्षेत्र दिखाई देता है मित्रों, वो एक तिकोना आकार का दिखाई देता है। इसलिए आप यहाँ राइट आंसर जो लगाना वो तिकोना लगाना, डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो अपना अगला क्वेश्चन होगा 10 नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति, जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? नाम दिनकर कौशिक का है, जयाप्पा स्वामी का है, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर और राम किंकर बैच का नाम दिया गया। 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है जीवन स्मृति, उसके चित्रण की बात की जा रही है, किसने किया है? तो उसका चित्रण भारत के पहले घनवादी कलाकार करेंगे जिनका नाम गगनेन्द्रनाथ ठाकुर है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपसे। कह रहा 1984 ईस्वी के दंगे पर चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? नाम अर्पिता सिंह का है, अपर्णा कौर का है, गोगी सरोजपाल और अंजलि इला मेनन का नाम आया। पूछा गया 1984 के दंगे पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला बनाई गई, वो किसने बनाई मित्रों? तो दंगों पर आधारित एक चित्र श्रृंखला जो बनाई जाती है अपर्णा कौर के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, गुरु जयंती उत्सव जो 1980 की रचना है, बहुत बढ़िया है, कैनवास पर तैलीय माध्यम में बनाई गई, उसके चित्र के चित्रकार का नाम बताना है आपको। कि गुलाम मोहम्मद शेख हैं, पीसी गोस्वामी हैं, भूपेन खक्कर हैं या फिर मुकेश शर्मा हैं। मित्रों गुरु जयंती की बात करते हैं तो गुरु जयंती उत्सव बहुत बढ़िया से बनाया गया 1980 में और भूपेन खक्कर के द्वारा उकेरा गया, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ भूपेन खक्कर के साथ देना होगा, बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिवसती, शिवसती जो काष्ठीय माध्यम में, ये किसका है? नाम श्रीधर महापात्रा का है, राजीव लोचन का है, श्री खांडे का है और लतिका कट का नाम दिया गया। शिवसती किसका है मित्रों? शिवसती वाली रचना की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब श्रीधर महापात्रा का है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाता है, ए इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है जो आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? फ्रेस्को सिस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे। फ्रेस्को सिस्को पद्धति से जो रचना बनी वो इटालियन है, अजंता है, जयपुरी है या फिर रणमेश कोई नहीं। कैसा दृश्य दिखाई देगा फ्रेस्को सिस्को पद्धति? फ्रेस्को सिस्को पद्धति की अगर बात करें तो अजंता में ऐसा दृश्य खूब ज़्यादा उकेरा गया, सही जवाब अजंता के साथ देना पड़ेगा, सी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा आपसे। कह रहा है इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार है, नाम दिया गया बद्रीनाथ आर्य हैं, पीसी लिटिल हैं, मदन लाल नागर हैं, आर के लक्ष्मण हैं, व्यंगात्मक चित्रकार कौन है मित्रों? सभी ऑप्शंस देखने के बाद आर के लक्ष्मण के साथ आंसर्स देना, डी के साथ आप राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? नाम दिया गया सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल चंडे, शारदा चरण वकील और ईश्वरी प्रसाद का नाम दिया गया। बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, सभी ऑप्शंस पढ़ो फिर राइट आंसर्स दो मित्रों, सही जवाब ईश्वरी प्रसाद के साथ जाएगा, क्योंकि ईश्वरी प्रसाद का संबंध कंपनी शैली से होता है, कंपनी शैली जिसे लोग पटना शैली भी कहते हैं, तो सही जवाब डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर आपसे। कह रहा है इसमें से कलमकारी कला, कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, नाम दिया गया मसूली पट्टनम नहीं है, कांचीपुरम नहीं है, कलाहस्ती नहीं है या फिर करूपर नहीं है। कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद कांचीपुरम लगाइएगा आंसर, सी के साथ आप राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने चैतन्य श्रृंखला के चित्रों के लिए जगत विख्यात है, चैतन्य श्रृंखला के चित्रों के लिए जगत विख्यात है, छतीनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, शौनीनाथ टैगोर या फिर असित कुमार हालदार। आपको बताना है चैतन्य श्रृंखला के लिए ज्यादा फेमस नाम किसका है? तो सही जवाब क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जाएगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर बैठेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों तैलीय रंग में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया?
तैलीय रंग में मालाबार ब्यूटी किसने, एल एम पंडित ने बनाया, रवि वर्मा ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया या फिर थियोडर जैनसन के द्वारा बनाया गया। मालाबार ब्यूटी की अगर बात करते हैं, रचना अच्छी है, रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई। सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी युक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हेडमेड कागज का उपयोग करता था। नाम दिया गया के हब्बार करते थे, अमृता सिरगल करती थी, विमान सुंदरम करते थे या फिर ए रामचंद्रन के द्वारा ऐसा किया गया। हैंडमेड कागज का ज़्यादा कागज प्रयोग किया गया, वो हेडमेड कागज का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा विमान सुंदरम ने किया है। तो आपको राइट आंसर्स विमान सुंदरम के साथ देना होगा, बी के साथ राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है रौद्र रस का रंग क्या है, रौद्र रस का रंग क्या है। नाम नीला दिया गया, लाल दिया गया, काला दिया गया, पीला दिया गया। अगर रौद्र रस के रंग की बात आती है मित्रों, तो रौद्र रस लाल रंग से विभूषित किया जाता है, लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बद्रीनाथ आर्या को निम्नलिखित में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। बी एन आर्या को कौन सा कलाश्री मिला है, भारत रत्न मिला है, कला रत्न मिला या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जब बद्रीनाथ आर्या की बात होगी तो वास विधा के एक अच्छे कलाकार हैं, इन्हें कला रत्न से सम्मानित किया गया है। इसलिए आपको राइट आंसर्स यहां बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर। द फ्लैम मैजिक भारतीय समकालीन चित्र है, इसके लेखक कौन है। द फ्लैम मैजिक भारतीय समकालीन चित्र, इसके लेखक वात्स्यायन है, कृष्ण कुमार हैं, नेवल तुली हैं या फिर गति सेन हैं। आपको बताना है द फ्लैम मैजिक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन हैं। सही जवाब जो बनेगा वो सही जवाब नेवली तुली के साथ बनेगा, इसलिए आपको राइट आंसर जो देना होगा वो बी के साथ लगाना होगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर क्वेश्चन से जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं। नाम चित्रकला का है, संगीत कला का है, स्थापत्य कला का है और उनमें से सभी का नाम दिया गया। ललित कलाओं के बारे में पूछा गया कौन कौन कलाएं आती हैं। तो ललित कला में चित्रकला भी है, संगीत कला भी है, स्थापत्य कला भी है, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अनुकरण के लिए प्लेटो ने रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है। नाम रिप्लिका दिया गया, रिपिटिशन दिया गया, कैलचेयर दिया गया और मेमेसिस दिया गया है। रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है मित्रों, अगर देखा जाए तो रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द जो आता है वो मेमेसिस आता है, इसलिए आपको राइट आंसर्स डी के साथ लगाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर होगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि और कलाकार दोनों था। नाम रामधारी सिंह दिनकर का है, प्रेमचंद्र का है, निराला और महादेवी वर्मा का नाम दिया गया। कवि और कलाकार दोनों के रूप में प्रसिद्धि किसकी है मित्रों, तो कवि और कलाकार दोनों के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है उनका नाम महादेवी वर्मा है, इसलिए आपको राइट आंसर्स महादेवी वर्मा के साथ देना है, यानी डी के साथ राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पहला रूसी पेंटर जिसने सर्वप्रथम भाव चित्र बनाने शुरू किए उनका नाम क्या। कॉन्डिस्की है, अलेक्जेंडर इवोनेन है, मॉर्ग शोंगोल है या फिर बेले रिलीज जैकैबो है। आपको बताना है कि पहला रूसी पेंटर जिसने सबसे पहले भावचित्र बनाया वो भावचित्र बनाने वाले कलाकार का नाम कॉन्डिस्की होगा, इसलिए आपको राइट आंसर्स कॉन्डिस्की के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा हेनरी मूर का मूर्त शिल्प है। नाम डे एंड नाइट का है, बल्जक का है, द एज ऑफ ब्रॉन्ज का है या फिर फॉरलैन वैरियर का नाम दिया गया। कौन सा हेनरी मूर का मूर्त शिल्प है। हेनरी मूर्त की अगर हेनरी मूर के मूर्त शिल्प की बात करते हैं तो फॉरलैन वैरियर का नाम आएगा। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा गया उछल कर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया। नाम कांस्टेबल का है, विलियम ब्लैक का है, टर्नर और जेशुआ रेनॉल्ड्स का नाम दिया गया। उछल कर लांघता हुआ अश्व का चित्रण किसने किया। उछल कर आंझता हुआ जो लक्ष्य है मित्रों, ये आपकी अश्व वाला रचना जो उछल कर लांघ रहा है यानी चल रहा है, ये रचना
जॉन कांस्टेबल के द्वारा बनाई गई है, इसलिए आपको राइट आंसर्स कांस्टेबल के साथ देना है, फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे कह रहा है चित्र लव्स ऑफ जुपिटर, लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? नाम रॉफेल का है, बैतिसेल्ली का है, कैराविजो और सिग्ने रैली का नाम दिया गया। लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो अगर लव्स ऑफ जुपिटर की बात करते हैं तो ये रचना कैराविजो की है। आपको राइट आंसर्स बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि इस 50 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस सही लगे होंगे और ये पता चला होगा कि कितने सही गए, 40, 45 या 48 या 50, कितने सही गए ईमानदारी के साथ ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।